सागर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 3 मंजिला एक घर में मां और 2 बेटियों की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। देखिए रिपोर्ट। सागर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक 3 मंजिला मकान में मां और उसकी 2 बेटियों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये घटना पुलिस कंट्रोल रूम के सामने की बताई जा रही है। बताया गया है कि मृतक का पति जब देर रात को घर पहुंचा तो घर के दरवाजे खुले हुए थे। अंदर देखने पर पत्नी और बेटियों की लाशें दिखी। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नेपाल पैलेस कॉलोनी है, वहां पे जो है एक महिला सहित 2 बच्चियां, उनका जो है घटनास्थल पे सूचना मिली थी कि जो है मृत अवस्था में है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचे और ये पाया गया कि उनका मर्डर हुआ है। तो तत्काल में जो है तत्काली जो है मर्ग कायम हुआ, 3 मर्ग कायम हुए और अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में 302 का प्रकरण पंजीबद्ध, मतलब हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और इस मामले की विवेचना की जा रही है और इसमें जो भी हमारे संदेह के घेरे में है और सारी संभावनाओं को लेकर के चल रहे हैं हम और लगातार टीमें काम कर रही हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है मामले का खुलासा हो। कौन कौन है सर बच्चे? अब हैं कुछ संदेही हमारे उसमें और टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं, कुछ लोगों को उससे पूछताछ भी चल रही है। अब देखते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है मामला खुलासा हो। एक मृतिका है वंदना पटेल, उम्र करीब 35 साल है, उसकी 1 8 साल की बच्ची है और 1 3 साल की बच्ची, तीनों के शव मिले हैं घर, उनके घर में ही, तो उसी पे लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तीनों मृतकाओं के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। वहीं घटनास्थल पर आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी सुनील कुमार, प्रभारी एसपी संजीव उइके ने तफ्तीश की है। आईजी प्रमोद वर्मा का कहना है कि हत्या हुई है पर अभी कारणों का पता लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सागर।